दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब से हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा विधानसभा का चुनाव, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाकर और सरकार चलाने की दिशा में अग्रसर है। अब 13 नवंबर से हरियाणा विधानसभा का सेशन भी शुरू होना है, विधानसभा का सत्र। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनावी शिकस्त के बाद, चुनावी हार के बाद जो स्थिति बनी हुई है, आप कुछ यूं देखें कि पहले तो राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के आलाकमान ने उस हार को लेकर के एक समीक्षा बैठक की, उसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी, जिसके अंदर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल थे और राजस्थान के विधायक थे अशोक चौधरी जी। उस फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने 57 विधायक जो चुनाव हार गए उनको विधायक ही कहते हैं, इसलिए मैंने विधायक कहा कि जिनके पास विधायक का टिकट था कांग्रेस की तरफ से, वही विधायक थे जो चुनाव हारे, उन सब के बयान भी लिए, उनसे बातचीत भी की गई, शायद जीतने वालों से भी लिए होंगे। अभी उस पर जो फैक्ट्स इकट्ठा हुए होंगे, जो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने जो उसके तथ्य इकट्ठे किए होंगे, उन पर संभवतः मंथन चल रहा होगा कि इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक और नई कमेटी बना दी, और वो कमेटी बना दी हरियाणा प्रदेश के पूर्व मंत्री और अभी हाल ही में पलवल से विधानसभा का चुनाव हार गए करण सिंह दलाल, उनके नेतृत्व में करण सिंह दलाल उस कमेटी के चेयरमैन है, और 8 मेंबरीय कमेटी बना दी। इस कमेटी के बारे में चर्चा करूंगा आपसे अगले वीडियो में। लेकिन इधर सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं दोस्तों, कि एक तो कांग्रेस अभी तक अपना हरियाणा विधानसभा में विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, जिससे कि संभवतः पहली बैठक तो हो गई विपक्ष के नेता के बिना विधानसभा की, जिसके अंदर विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन हो गया, विधायकों की ओथ हो गई, और लगता ऐसा है कि अगर यही चला, क्योंकि आज 5 तारीख है, 5 नवंबर, और 13 नवंबर से विधानसभा का अधिवेशन सत्र शुरू होगा, और उसके लिए अगर कांग्रेस अपना नेता तय नहीं कर पाई तो पहली बार होगा जब विधानसभा विपक्ष के नेता विहीन होगी, और वो भी उस स्थिति में जब हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के रूप में, विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। 37 विधायकों के साथ कांग्रेस हरियाणा का मजबूत विपक्ष है। इस सबसे हटके एक मुद्दा दोस्तों और है, कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके बाद दूसरी कमेटी, हार पर मंथन, तमाम नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, ये सब जो चल रहा है, इस सबके बीच कांग्रेस के अंदर एक बात चल पड़ी है कि कांग्रेस विधायक दल का नेता जो बनेगा हरियाणा के अंदर, क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद होंगे या नहीं, क्या वो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और या कोई और। और इसके साथ साथ बात चल पड़ी है कि क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी नया होगा, और इसको लेकर के एक अलग प्रकार की चर्चाएं, अलग प्रकार की कानाफूसी, अलग प्रकार का मंथन है। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर स्थिति बनी हुई है, आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले मैंने आपके साथ एक प्रश्न शेयर किया था, आपके साथ एक वीडियो साझा की थी, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ते हैं तो फिर उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वाले और कौन कौन नेता हो सकते हैं। हालांकि वो समय निकल गया, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी प्राथमिकता दी कांग्रेस आलाकमान ने, उनकी पसंद को पूरी तवज्जो दी। लोकसभा चुनाव के अंदर अगर कहें तो मात्र कुमारी सैलजा ऐसी कैंडिडेट रही, बाकी 8 जो कैंडिडेट हुए उन पर कंसेंट थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिर विधानसभा में 90 में से जो 90 कैंडिडेट थे, 90 में से 89 को दे दी थी, उन 89 में से लगभग 72-73 कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाहत के लोग थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते थे, उनकी कंसेंट से लोग आए थे। और अब जब चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाओं के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है, खासकर जो वो लोग जो चुनाव हार गए उनके अंदर पार्टी की गुटबाजी, पार्टी का संगठन ना होना, और इससे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान पर आंच आ रही है, इस सब के चलते अब एक फिर एक और चर्चा है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कांग्रेस छोड़ देंगे, क्या वो समय अब आ गया है जब हरियाणा के अंदर एक और कांग्रेस का जन्म होगा, वो अभी होगा और या फिर कुछ समय रुक करके होगा, और खासकर उस स्थिति में, उस कंडीशन में कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कांग्रेस विधायक दल के नेता ना बने और प्रदेश अध्यक्ष पर भी उनकी कंसेंट अगर ना हुई तो क्या होगा। जो मैं आपको बता रहा था कि हार के बाद में जो फैक्ट्स इकट्ठे किए कांग्रेस के आलाकमान ने,
सूत्र बता रहे हैं कि उन फैक्ट्स के आधार पर तो बात ऐसा संदेश जा रहा है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, कांग्रेस के अंदर जो आपसी खींचतान थी, और उसके अंदर भी कई कैंडिडेट्स ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सांसद जयप्रकाश और उनके जो समर्थक चाहे थे शुभचिंतक, उन पर आरोप लगाए। ये बात आई कि उनको हराने में उनका योगदान था, उनकी भूमिका थी, उनका अगर वो मदद करते तो फिर चुनाव परिणाम और होते। और कांग्रेस का जो आलाकमान है वो हरियाणा की जो बाजी उनके हाथ से निकली है दोस्तों, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा, अगर मैं कहूँ कि आहत है, उसको लेकर के बहुत चिंता में है, परेशानी में है, सोच में है, क्योंकि हरियाणा को लेकर के एक तरह से एक बन चुका था कि हरियाणा के अंदर सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। तमाम मीडिया सर्वे और तमाम रिपोर्ट, तमाम एनालाइज जो सब कहते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, इस स्थिति में कांग्रेस की चुनावी हार और चुनावी हार के पीछे अपनों का हाथ, अगर ये बात चल रही है तो मैं जो बता रहा था कांग्रेस आलाकमान बहुत आहत है। और मैं आपको जो कह रहा था कि हरियाणा के अंदर क्या नई कांग्रेस बन सकती है, आपको बताते चले कि जब जब भी नेताओं को लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है, ऐसे नेता जो सत्ता का केंद्र थे, ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ऐसे नेता जो कांग्रेस के अंदर शीर्ष पर थे, विराजमान थे, जब उनको लगा कि उनकी अनदेखी हो गई तो फिर उन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ा और अपनी अलग क्षेत्रीय पार्टियां बनाई। आप याद करें, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल की ले, कभी चौधरी देवीलाल भी कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी चौधरी देवीलाल की अपनी एक विचारधारा थी, और जब वो कांग्रेस से अलग हुए तो चौधरी देवीलाल ने अपनी विचारधारा की पार्टी का गठन किया। हालांकि पहले तो उनकी पार्टी नहीं बनी थी, कभी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हुआ उनका, कभी हरियाणा लोकदल हुआ, कभी समता पार्टी हुई, कभी समाजवादी जनता पार्टी हुई, कभी समाजवादी पार्टी हुई, इन पार्टियों के सिंबल पर वो चुनाव लड़ते रहे। 2000 के चुनाव से पहले यानी कि 1996 और 2000 के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल बनी चश्मे के निशान के साथ, चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली पार्टी। तो कांग्रेस के अंदर जब चौधरी बंसीलाल को लगा, चौधरी देवीलाल के बाद में जब चौधरी बंसीलाल को लगा 1987 के बाद, जब वो केयरटेकर मुख्यमंत्री रहे थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद में जब कांग्रेस की हालत खराब हुई थी और कहीं लगा था चौधरी बंसीलाल को कि अब उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो चौधरी बंसीलाल ने 1987 के बाद में 88-89 के दौर में हरियाणा विकास मंच और उसके बाद में हरियाणा विकास पार्टी बना ली। 1991 में 11 सीटें जीती और 1996 के अंदर 35-36 सीटें जीत करके हरियाणा के अंदर सरकार बनाई थी चौधरी बंसीलाल ने, उनकी हरियाणा विकास पार्टी। हालांकि वो हरियाणा विकास पार्टी बाद में तो चली गई थी, मर्ज हो गई थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन जो उनके नेता हैं, चौधरी बंसीलाल की विचारधारा पर, चौधरी बंसीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। किरण चौधरी हों, श्रुति चौधरी हों, एक राज्यसभा सदस्य है माता जी, बेटी जी प्रदेश सरकार की वजीर हैं। तो ये पहली कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर एक अलग पार्टी बनी थी और जिसने कांग्रेस को पूरा डेंट दिया था 1996 और 2002 चुनावों में, कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक नहीं आने दिया था। दूसरा डेंट लगा था कांग्रेस को 2007 में, और वो डेंट दिया था चौधरी भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बना करके। 2005 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, चौधरी भजन लाल को लगा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हुए, तो उस समय फिर 65 सीटों के बड़ा मैंडेट मिला था कांग्रेस पार्टी को, और उस समय पे चौधरी भजन लाल कांग्रेस से अलग हुए बेटे कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, और चौधरी भजन लाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बना ली। हालांकि वो पार्टी भी बाद में 2009 और 2014 का चुनाव लड़ने के बाद में 2016 में पहले कांग्रेस में मर्ज हुई, हरियाणा जनहित कांग्रेस वापस, और फिर अब चौधरी भजन लाल के राजनीतिक झंडा बरदार कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई आजकल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर इग्नोर किया कांग्रेस ने, तो क्या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी डफली पे अपना राग शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी पार्टी बना लेंगे। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि रोहतक, झज्जर, इन इलाकों के अंदर, खासकर जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बोलबाला है, वर्चस्व है, वहां इस समय बड़ी गंभीरता से बात चल पड़ी है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी बनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस ने कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका दिया, जैसा लोगों को, राजनीतिक लोगों को लग रहा है, राजनीतिक लोगों की चर्चाओं में है कि
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस दरकिनार कर सकती है, साइड कर सकती है, तो उस स्थिति में क्या हुड्डा अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि वो समय क्या अभी होगा और या फिर उस समय में थोड़ा इंतजार होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह रहेगी दोस्तों कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस वापसी वही वजन जो देगी जो 2014 से शुरू हो चुका है, यानी कि तीसरी योजना के लिए भी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेहरा बनाकर कांग्रेस एक बार फिर आगे कर देगी, और या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करके और नया नेतृत्व सामने लाएगी? आपके साथ भी सवाल यही है, आपके साथ भी सवाल यही है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से अलग होते हैं तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा? अगर भूपेंद्र सिंह से दूर होकर के अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो फिर उसका भविष्य, ढांचा, खांचा किस प्रकार का रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 37 विधायक कांग्रेस के हैं जिनमें से 31-32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के हैं, जिन्हें कि हुड्डा साहब की टिकट पर विधायक चुना गया, हुड्डा साहब ने टिकट दिया उनको, और अगर कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में साइडलाइन होते हैं तो फिर कितने विधायक हुड्डा साहब के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।